नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। आपने सबने दोस्तों एग्जाम दे दिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि पेपर का लेवल क्या था और लगभग मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ज्यादातर का जो डाउट आ रहा है दोस्तों, डाउट ये आ रहा है कि मेरे 85 सही है, मेरे 90 सही है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या फिर मैं सीधा बाहर होने वाला हूं, क्या मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों आंसर की, हम कैसे मिलाए, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है। सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे यदि आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले इनको जरूर दबा लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगभग दोस्तों सभी बच्चों ने एग्जाम दे लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा पेपर का लेवल क्या था। दोस्तों मान सकते हैं जो पेपर का लेवल आ रहा है दोस्तों वो थोड़ा कठिन है। गई बार जो एग्जाम लगी थी पुलिस कॉन्स्टेबल की, उनसे तो दोस्तों कहीं ना कहीं कठिन पेपर आ रहा है, ये तो आपको सबको पता चल गया होगा। और बहुत यूट्यूबर वाले आपको बता रहे हैं कि नहीं देखो कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल पेपर है। अरे हर पेपर के अंदर 10 से और 15 क्वेश्चन तो सरल पूछे जाते हैं, लेकिन और उठाकर देखो और तो क्वेश्चन बहुत कठिन है ना। तो हम मान सकते हैं जो आपका पेपर लगा है वो दोस्तों कहीं ना कहीं कठिन है। अब कठिन होने का सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों वो है समय। बच्चों को समय ही नहीं मिला, मतलब कि 2 घंटे कम पड़ गए दोस्तों गोले भरने के लिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कोई ऐसे 120 के पास ही पहुंचे हैं, बहुत तो ये हैं जो 80-85 पे रुक गई। मतलब कि कहीं ना कहीं समय की दोस्तों कुछ ना कुछ क्या हुआ है, समय कम पड़ा है और समय कम पड़ने के कारण बच्चों के पेपर खराब गए हैं। हम भी मान सकते हैं दोस्तों पेपर का लेवल दोस्तों थोड़ा सा कठिन था, यदि लेकिन आपको 2 घंटे की जगह 3 घंटे मिल जाते तो आप आराम से दोस्तों 120 से 135 125 आराम से कर लेते। करते कि नहीं करते कमेंट करके बताना, यदि आपको 3 घंटे का समय मिल जाता तो, क्योंकि दिमाग लगाते और क्वेश्चन करते। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है आपकी बार पेपर खराब जाने का, वो कारण है एक तो दोस्तों समय की कमी, बच्चों को समय नहीं मिला, और दूसरा है दोस्तों जो पेपर के जो क्वेश्चन आए थे वो एक ही क्वेश्चन को क्या कर दिया उन्होंने, एक ही क्वेश्चन को इतना बड़ा कर दिया कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूरे पेज में है। यदि बच्चा उस क्वेश्चन को पढ़ने बैठेगा तो 3 मिनट कम से कम बता रहा हूं, 3 से 4 मिनट तो उसकी बर्बाद होंगी। और जब वो ऊपर के पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाएगा तो ऊपर के भूल जाएगा, ऊपर का पढ़ेगा तो नीचे का भूल जाएगा। यही कारण है दोस्तों दिमाग ज्यादातर बच्चों का खराब हो रहा है, वो यही कारण है जो मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा था सब पे पानी फिर गया, वो यही कारण है। समय दोस्तों कम पड़ा और कम पड़ने के कारण क्या हुआ, ऐसी हालत हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है वो मुद्दा ये आ रहा है कि मैंने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, 110 किए हैं, जिसमें से मेरे 85 के लगभग सही हैं, मेरे 90 के लगभग सही हैं, तो क्या मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं गई बार कट ऑफ क्या रही थी, पहले उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। गई बार दोस्तों लगभग मैं मानता हूं दोस्तों लगभग जिसके 60 के आसपास थे उस बच्चे का फाइनली रूप से सिलेक्शन हो गया था। एक तो दोस्तों राजसमंद कोटा जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है उन जिलों को छोड़ देना, वहां पर तो दोस्तों जिनके 61 62 62 62 नंबर थे ना उन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन लगभग दोस्तों जो जिले थे उनसे लगभग दोस्तों 58 से और 60 के बीच में बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। अब कमेंट ये मत करना कि मेरे दोस्त के 62 थे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, बहुत जिले थे जहां पर दोस्तों 60 62 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब दोस्तों गई बार कितने पर, लगभग 60 के पास सिलेक्शन हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों जो आपको बता दूं वो ये है कि गई बार क्या था, एक क्वेश्चन है ना दोस्तों वो आधे नंबर का होता था, क्वेश्चन थे वो 75 नंबर के होते थे। लेकिन अब की बार क्या कर दिया दोस्तों, 150 क्वेश्चन को 150 नंबर के कर दिए था। लेकिन अब की बार दोस्तों पेपर थोड़ा सा कठिन है, तो क्या 80 पे सिलेक्शन हो सकता है, क्या 85 पे सिलेक्शन हो सकता है। तो यदि आपके दोस्तों 85 95 100 नंबर बन रहे हैं तब भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत जिले ऐसे होंगे जहां पर कट ऑफ बहुत कम रहने वाले हैं, क्योंकि पेपर का एक तो लेवल थोड़ा सा ज्यादा था और वहां पर दोस्तों पोस्ट कम थी और बच्चों ने फॉर्म भी वहां पर कम अप्लाई किए हैं। तो बहुत जिले ऐसे होंगे जहां पर कट ऑफ कम जाएगी, कोई पता नहीं आपके जिले की कट ऑफ थोड़ी कम चल जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी। लेकिन इतना जरूर कह देता हूं जिस भी बच्चे के कितने दोस्तों 150 में से लगभग दोस्तों 105 कितने 105 से लेकर 110 के बीच में सही बन रहे हैं, 110 के बीच में सही बन रहे हैं,
कहीं ना कहीं वो बच्चा सिलेक्शन की कगार पर है, सिलेक्शन की लाइन में है दोस्तों। और जिनके दोस्तों 90, 95, 85 इतने नंबर बन रहे हैं तो उनको भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई पता नहीं दोस्तों आपके जिले की मेरिट कम चल जाए और आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों फिजिकल के लिए आपको बुलाया जा सकता है, कोई पता नहीं कट ऑफ कम चल जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन दोस्तों अभी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अभी पता नहीं है कि उनके कितने क्वेश्चन सही है, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई, अभी पता ही नहीं है, पेपर दिया नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि किसी के कितने क्वेश्चन सही है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगा और उसमें बच्चों से पूछूंगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं काट पीट के। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पोल में हिस्सा लेना है, जिससे हमको अंदाजा लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो जो भी मेरे पास कमेंट कर रहे थे ना कि मेरे तो 95 सही है, मेरे तो 85 सही है, मेरे तो 100 सही है, तो क्या मुझे दौड़ करनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बोल रहे ना कि मेरे तो सपनों पर पानी फिर गया, अरे अगली भर्ती भी जल्दी आने वाली है, तो इनको भी टेंशन नहीं लेनी है। यदि इतने नंबर के आसपास बढ़ रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की दोस्तों कगार पर भी हो, ठीक है। तो मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों जब पोल करवाएंगे उसमें पूरा पता चल जाएगा कि ज्यादातर बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं। तो मेरी अलग से वीडियो आएगी दोस्तों कट ऑफ को लेकर, ये वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी दोस्तों पोल नहीं करवाया, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर के हिसाब से और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। पोल करवाऊंगा और पोल के बाद में दोस्तों अंतिम रूप से मैं आंकड़े लेकर आऊंगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने नंबर वाला बिल्कुल सेफ है, उसके लिए मेरी अलग से वीडियो आएगी। तो दोस्तों आप ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।